सो एपिसोड की स्टार्टिंग में गारा और देई दारा आमने सामने होते हैं और देई दारा अपना हाथ अपनी जेब में डालने की कोशिश करता है। तभी गारा अपनी सैंड से उसके हाथ पर हमला कर देता है और देई दारा अपनी चिड़िया पर बैठकर वहां से भागने लगता है। और अब गारा अपनी सैंड पर उड़कर उसका पीछा करने लगता है और तभी देई दारा गारा से इम्प्रेस हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक घुसपैठिया हूँ? तब गारा कहता है, पूरे रेगिस्तान में ऐसी कोई चिड़िया नहीं है। और अब गारा का भाई कनकुरो गारा के ऑफिस में आ जाता है पर गारा वहाँ नहीं होता। तब एक गार्ड उसे बताता है वो बाहर लड़ रहा है, जिस पर वो पूछता है कैप्टन यूरा कहाँ है। और शिनोबीज बताते हैं कि हमने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। और अब सासोरी कैप्टन यूरा से कहता है, तुम जल्दी से वापस चले जाओ इससे पहले कि किसी को शक हो। और अब दूसरी तरफ अभी तक नारुतो और साकुरा का टेस्ट चल रहा है और अब काकाशी निंजुत्सु स्टार्ट करता है और हैंड साइन का यूज़ करना चालू करता है और उसकी स्पीड देखकर दोनों नारुतो और साकुरा हैरान हो जाते हैं। और अब काकाशी सबसे पहले फायर स्टाइल जुत्सु का यूज़ करता है, फिर अर्थ स्टाइल का यूज़ करता है और लास्ट में वाटर स्टाइल का यूज़ करता है, जिसे देखकर नारुतो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब काकाशी पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगता है। और दूसरी तरफ गारा और देई दारा लड़ाई कर रहे होते हैं और अब देई दारा अपनी पॉकेट में से एक्सप्लोसिव तैयार कर लेता है और गारा पर फेंकने लगता है। और बाकी के सारे शिनोबीज ये सब नीचे से देख रहे होते हैं और अब देई दारा का जुत्सु देखकर गारा भी हैरान हो जाता है। और अब दूसरी तरफ दोनों नारुतो और साकुरा बहुत थक जाते हैं और काकाशी को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी साकुरा पूछती है, काकाशी सेंसी की भी तो कोई वीकनेस होगी? जिस पर नारुतो कुछ सोचता है और फिर बोलता है, हाँ एक है। और अब दूसरी तरफ काकाशी अपनी बुक पढ़ने के लिए सोच रहा होता है क्योंकि उसे मेन कैरेक्टर की एंडिंग स्टोरी पढ़ने की बहुत जल्दी थी। और अब दूसरी तरफ नारुतो काकाशी की वीकनेस सोचकर हंसने लगता है और साकुरा को भी बता देता है। और अब सैंड विलेज में देई दारा छोटे छोटे पक्षी बनाकर गारा पर हमला कर देता है और गारा के पास एक बहुत ज़ोरदार एक्सप्लोजन होता है। और इधर कोनोहा में नारुतो और साकुरा काकाशी के मुंह के आगे से उस पर हमला कर देते हैं। और अब नारुतो काकाशी की फेवरेट बुक की एंडिंग उसे बताने लगता है, जिस वजह से काकाशी अपने कानों पर हाथ रख लेता है। पर शारिंगन होने की वजह से वो नारुतो के वर्ड्स को रीड कर पा रहा था और उन्हें समझ पा रहा था, जिस वजह से वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। और तभी नारुतो और साकुरा काकाशी से बेल ले लेते हैं और टेस्ट पास कर लेते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ गारा पर जो एक्सप्लोजन हुआ था वो उससे बच जाता है अपनी एक टेक्निक यूज़ करके। और गारा देई दारा पर अपनी सैंड प्रिजन की अटैक कर देता है और यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।